आती है एवरीवन? हाँ सर, हाँ सर, यस सर, यस सर। चलो लिखो हेडिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रिगो इक्वेशंस। Different types of trigo equations. First is factorization. ये मतलब सिंपल फैक्टराइज करके सॉल्व कर रहे हैं, तो यस वेरी ऑब्वियस है, बट ठीक है, एक क्वेश्चन मतलब वही लिख देते हैं थ्योरी वाइज, टाइप टू के साथ साथ में क्वेश्चन करेंगे। जैसे अभी ये क्वेश्चन है cos x, मान लो ये ऐसा ही है, सो cos x को कैंसिल होगा, ऑब्वियसली तुम कभी करोगे नहीं, इतना सीख ही लिया। सो 2 cos 2x minus 1 is 0। इसके बाद ट्रिगो इक्वेशन में काफी इंपॉर्टेंट होगा कि यूनियन ले रहे हो या इंटरसेक्शन ले रहे हो। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस सर, यस सर, यस सर। cos x equals to 0 और cos 2x equals to half। cos x equals to 0 का आंसर याद है ना, 2n plus 1 pi by 2, एवरीवन? यस सर, यस सर। और cos 2x का ये cos pi by 3 हो जाएगा, so 2x is equals to 2n pi plus minus pi by 3, x equals to n pi plus minus pi by 6, right? Yes. Answer is union of that। अभी हो सकता है ये final solution नहीं हो, क्यों? हमेशा final solution बोलने से पहले ensure कर लेना कि कोई repetition नहीं हो रहा। Do you understand this? Yes sir, yes sir। जैसे यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि pi by 2 और 3 pi by 2 type की values होगी, और यहाँ पे pi by 2 या 3 type pi by 2 का या 5 pi by 2 ऐसा कोई कुछ बनने नहीं वाला। Come on, agree करो? कभी चेक भी करना हो तो देखो, theoretically ऐसे कर सकता हूँ, 6n plus minus 1 pi by 6, क्या कभी 3k plus 1 pi by 2 हो रहा है क्या? समझ में आ रहा है मैंने क्या करा? Yes sir, yes sir। इसका LCM लेके बस उसे equate कर रहा हूँ कि कोई n या k की ऐसी कोई value है क्या कि जैसे दोनों सेम हो रहा हो, वो जज कर रहा हूँ। Is that clear everyone? तो 6n plus या minus 1 is equals to 9k plus 3, तो 3 minus 1 2 odd हो जाएगा, उस तरीके से कभी नहीं होगा। हाँ है ना बच्चों? Yes sir, very good। Yes sir, yes sir। तो अभी के लिए final answer क्या है? This union this, yes, यही है क्या answer? Yes sir, yes sir, yes sir, यही है। Copy करो यहाँ तक। शॉर्ट में लिखो, बस थ्योरी हमारे पूरी कंप्लीट चाहिए इसलिए लिख रहे हैं, नॉट फॉर द क्वेश्चन एक्चुअली। अभी चेक भी करना हो तो ऐसे नहीं करेंगे, ये तो अगर हमें पता लग गया कि उसका रिपीटेशन है तो हटाने के लिए ऐसे करेंगे। चेक करने के लिए तो क्या करोगे बच्चों, दोनों की प्रिंसिपल सॉल्यूशन थोड़ी वैल्यूज देख लेना। समझ में आ गया एवरीवन? यस सर। प्रिंसिपल सॉल्यूशन में नहीं हिट हो रहा है तो आगे भी कहीं नहीं हिट होने वाला। 5 पाई बाय 6, 7 पाई बाय 6, n को 2 रखा 2 पाई, बस नहीं हो रहा है, खत्म बात, देयर इज नो रिपीटेशन। कभी बाय द वे रिपीटेशन आ जाएगा तो फिर हटाने के लिए ये इस तरीके की चीज करेंगे, बट वो सिस्टमेटिकली कैसे करेंगे जब आएगा तब देखेंगे। टेन सेकेंड्स और टू कम पैरेलल विद अस। हो गया बच्चों? यस यस सर। शॉर्ट पे लिखो यार। ओके, तो क्या बोलने का मतलब है कि बहुत सारी क्वाड्र बहुत सारी ट्रिगो इक्वेशन फैक्टराइज करने से सॉल्व हो जाएगी, बस ध्यान रखना।
टाइप टू रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक की तरह सॉल्व कर लेना उसको, ऑब्वियसली ये तो बहुत बार सीखा हुआ है, एग्जांपल देने की भी जरूरत नहीं, बट ठीक है मैं लिख देता हूँ। टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू जीरो, हो ही जाएगी एवरीवन? हाँ सर हो जाएगा। यस सर, बस फैक्टराइज करो और जो भी हो रहा हो जाएगा बस। चलो कॉपी करो ये भी। कोई डाउट यहां तक किसी को? सर गौरव हियर। यस बच्चे। सर फैक्टराइजेशन में व्हाट इफ वी गेट समथिंग लाइक 2 cos x sin x minus sin x, तो हम वो 2 cos x sin होता है, व्हाट इफ जब होगा तब देखा जाएगा। व्हाट इफ ऐसा नहीं कि सारी चीज यहीं कवर हो गई है? नो सर, आई जस्ट वांटेड टू आस्क कि हम लोग ऐसा वो 2 थीटा वाला फार्मूला लगाना चाहिए क्या हम लोग को, या फिर अगर फैक्टराइज क्लियरली हो रहा है तो उसको हम फैक्टराइज। हेलो, योर वॉइस ब्रोक डाउन। Hello sir, can you hear me? Repeat again. Sir, I was saying ki if we have possibility like as a 2 sin x cos x dikha to usko humko sin 2 theta likhna chahiye ya fir usko factorize karna chahiye? Everyone, can you hear me? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Iski voice yes. break ho rahi hai, mera net connection. Nahi sir, uska voice sahi chal raha hai. Uska sahi chal raha hai. Uska sahi chal raha hai. Uska sahi aa raha hai. बाकी सब क्वेश्चन चालू करो तब तक गौरव चैट पे लिख रहा है। गौरव जल्दी से डाउट जो पूछना है पूछ, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। हाँ सर, जस्ट अ सेकंड। माइक पे बोल दे एक बार, वापस ट्राई करते हैं। यस सर। सर मैं बोल रहा था कि अगर ऐसे 2 sin x cos x के टर्म्स आ रहे तो हमको उनको 2 थीटा में कन्वर्ट कर देना चाहिए या फिर रहने देना चाहिए और फैक्टराइज करना चाहिए? ऐसे तो मैं फिक्स ना बोल सकता हूं कि हर में ये करना चाहिए, डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन। अगर राइट साइड में कहीं sin 2 थीटा का एक्सप्रेशन है तो ऑब्वियसली करेगा, अगर नहीं है cos theta का है तो फिर नहीं करेगा, फिर तू cos theta कॉमन लेना चाहूंगा। ओके सर, इट डिपेंड्स अपॉन द अदर पार्ट्स। यस सर, नो बिकॉज़ वी एक क्वेश्चन में गलती हुआ था उसके वजह से। चलो स्टार्ट करो एवरीवन। सर क्या बच्चे क्या प्रॉब्लम है? सर ऋषभ हियर, सो कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज रिटन इन द सेकंड ब्रैकेट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन बिफोर cos x + cos x? First question, second question. First question, sir. After 2 sin x minus cos x inside the bracket, the second one. One. Okay. 1 plus cos x equals to sin square x. डोंट बी नारी, बहुत बच्चे गलती करते हैं बता रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन में फैक्टराइज हो रहा है क्या एवरीवन? यस सर। यस सर। एक्स को अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखोगे तो ऑब्वियसली कॉमन आ रहा है, कम ऑन।
सेकंड वाला AI triple E 2006 का क्वेश्चन है. AI triple E is like JEE mains. Was like, अब तो नहीं होता. फर्स्ट एंड सेकंड दोनों फिनिश करना है आपको जल्दी से एवरीवन. जो बच्चे ने सेकंड नहीं किया सेकंड भी कर लेना, वन मिनट और है बस, फिर मैं डिस्कस करूंगा. यस डन. फाइनल आंसर हमेशा लिखने से पहले देखना कहीं रिपीटेशन नहीं हो रहा हो. जिसका हो गया इसको सेकंड का भी आंसर लिखो. फर्स्ट का भले मत लिखो इतना लंबा चौड़ा, सेकंड का तो लिख दो. आई थी सेकंड का सही, धर्मी सही, अनव रॉन्ग, अनन्या पहले गलत था, आप सही कर दिया है नालायक, आदित्य रॉन्ग है. अनन्या कैसे रियलाइज हुआ कि चेक करना है या कुछ गलती की है? टाइपो, सो यू सेड कि अब ध्यान से करो. मैंने बोलने के कारण हिंट मिली. हां सर क्या मतलब? आई वॉन्ट यू, आई समहाउ मतलब फोर्स कहा कि तुम लोग जल्दी में मिस्टेक कर रहे हो, सो तो मैंने चेक किया मैंने क्या लिखा और मैंने टाइप गलत कर दिया. ओके सो या करेक्ट, आदित्य रॉन्ग, अग्रिमा रॉन्ग, मिहिर रॉन्ग, देवांशी करेक्ट. थर्ड सेकंड में बहुत बच्चे गलती करेंगे. अगर मैं कैजुअली एग्जाम में क्वेश्चन दूं ना तुम में से 80-90% बच्चे गलत करके आ जाएंगे सेकंड. अभी तो ऑब्वियसली मैंने बहुत वार्न कर दिया है. अनुभव करेक्ट हो गया, अनिर्वन रॉन्ग, विराज रॉन्ग, सभिया करेक्ट, श्रेयस रॉन्ग, सिद्धार्थ करेक्ट, कार्तिक रॉन्ग, अनिश रॉन्ग, एरलिन रॉन्ग, आदित्य देव आप सही, वेरी गुड. चल इनफ टाइम डिस्कस करते हैं. सर सेकंड के लिए 2 सेकंड दे सकते हो? कसम 2 सेकंड क्या, तेरे लिए 30 सेकंड बस. थैंक यू. चल कर जल्दी सर. सौराधीप रॉन्ग, क्षितिज रॉन्ग, अलका रॉन्ग, ओजस रॉन्ग, देखो कितने जने गलत हैं. यशवी रॉन्ग, सिद्धेश करेक्ट, धनय रॉन्ग, तृप्ति रॉन्ग, मिहिर करेक्ट, दिवांशी करेक्ट रॉन्ग, विराज रॉन्ग, लक्ष्मी रॉन्ग, एलिन करेक्ट, लक्ष्मी रॉन्ग, तनिष रॉन्ग, नेहल रॉन्ग, सात्विक करेक्ट, गौरव रॉन्ग, वसीम महा रॉन्ग, नालायक गौरव अब सही. क्या सेकंड वन क्या पता नहीं क्या लिखा सेकंड वन का है तो गलत है. विवान रॉन्ग, तन्मय रॉन्ग, मिनाल रॉन्ग. बस अब मुझे शर्म आ रही है. देखो इधर फर्स्ट में क्या कॉमन है बच्चों, वन प्लस कॉस और इसमें कितना हो गया ये cos cos चला गया, sin x equals to half, cos x equals to minus one exception याद है ना? Yes sir. Yes sir. Yes sir. 2n pi plus pi union n pi plus minus one raised to power n into pi by 6. दूर दूर तक कोई रिपीटेशन नहीं दिख रहा है. दिस यूनियन दिस इज द फाइनल आंसर. क्लियर एवरीवन? यस सर. यस सर. किसी को डाउट यहां तक? नो सर. धीरे धीरे तुम बिना वैल्यूज निकाले देख के बता पाओगे, एक्सपीरियंस हो जाता है.
कि रिपीटेशन आएगा या नहीं आएगा, जैसे पाई बाय सिक्स है और पाई किसी भी हाल में नहीं आने वाला. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इन जीरो से टू पाई काइंड ऑफ लाइक प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज टू कॉस एक्स. ऑब्वियसली कॉस एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर क्वाड्रेटिक बन गई एवरीवन, करेक्ट? हां सर. टू साइन स्क्वायर देख लो, सब कुछ लेफ्ट साइड में ले आया, टू साइन स्क्वायर प्लस साइन माइनस वन इक्वल टू जीरो. अब फैक्टराइज करना है क्वाड्रेटिक की तरफ, टू साइन साइन प्लस वन माइनस वन साइन प्लस वन इक्वल टू जीरो. सो आइदर साइन एक्स इक्वल टू हाफ और साइन एक्स इक्वल टू माइनस वन. उसने जनरल सॉल्यूशन तो नहीं पूछा है, करेक्ट एवरीवन? यस सर. सिर्फ जीरो से टू पाई में सॉल्यूशन पूछे तो ये तो डायरेक्टली सोच सकते हैं ना एवरीवन? जितना पूछू उतना ही बोलोगे, ना ज्यादा ना कम. साइन एक्स इक्वल टू हाफ के जीरो से टू पाई में दो सॉल्यूशन होते हैं, करेक्ट? साइन एक्स इक्वल टू माइनस वन के कितने सॉल्यूशन होते हैं? एक. टू प्लस वन अगर आंसर थ्री दे दिया तो ये गलत है. गलत क्यों सर? अब जल्दी से फंडा लिख लो, फंडा नंबर क्या है एवरीवन? इन एनी क्वेश्चन, ये अब हमें पूरे जेई की तरह याद रखना है. इन एनी क्वेश्चन इफ यू क्रॉस मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर, ऑलवेज कीप इन माइंड डिनोमिनेटर कैनॉट बी जीरो, क्योंकि तुमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर हटा दिया, अब तो वो जीरो हो भी सकता है. आया ना बच्चों? कमॉन एग्री करो. डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो, वो तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ओरिजिनल में वो था, बट तुमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसा इंश्योर कर दिया कि अब वो जीरो हो भी सकता है. बट ओरिजिनल क्वेश्चन तो क्या बोल रहा है बच्चों कि कॉस एक्स कमॉन कैन नॉट बी जीरो, बट जैसे ही तुमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, कॉस एक्स जीरो हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है सर, हो सकता है. आ भी गया यहाँ पे cos x 0 मतलब sin x minus 1, मतलब sin x minus 1 is not allowed. Is that clear everyone? Yes sir. Sin x minus 1 कब होता है? कब होता है? Sir 3 pi by 2. 3 pi by 2 पे cos क्या होता है? Cos 0 होता है. 0 0. Allowed? Not allowed. Not allowed. Check is undefined. Defined मतलब domain में ही नहीं है, मतलब solution की बात भी नहीं कर सकते. हाँ है ना बच्चों? हाँ sir. Rejected as here. Cos x will be equal to zero, not in the domain. So correct answer, कितने solution है everyone? Two solution. General solution में भी सिर्फ इसका answer आएगा. Is that clear ना? Yes sir. तो ये ध्यान रखना, ये not defined वाला scenario बहुत जगह परेशान करेगा. Repetition परेशान करता है और not defined कम परेशान करता है, but कभी कार करता है. सर एक बार फंडा दिखा सकते हो प्लीज? इन एनी क्वेश्चन इफ यू क्रॉस मल्टीप्लाई, ये तो मैंने तुम्हें नहीं, तुम्हें शायद से पता नहीं. फंक्शंस में रेंज वाले पार्ट में देखो, इधर देखना बच्चों, जैसे फंक्शन चैप्टर में कभी पढ़ाऊंगा, अगर इसकी रेंज निकालनी है तो अभी तो एक्स जीरो हो सकता है, एग्री करो? यस सर. है ना? इसकी रेंज फिर ऐसा निकाल के आगे बढ़ते हैं तो हमेशा एक सॉल्यूशन उनका मिस हो जाएगा. कौन सा? ये वाला, क्योंकि अब एक्स कैन नॉट बी जीरो. एग्री करो? यस सर. वो ऐसा क्रिएट किया है कि अब x equal to 0 हो ही नहीं सकता. कमॉन एग्री करो? यस सर. बट फाइनल आंसर में y equal to 0 आना चाहिए, जो तुम्हारा जो भी करोगे अभी, जो भी मेथड कर रहे हो, उससे y equal to 0 नहीं आने वाला है. तो इसलिए वो तुमने डिवाइड करा है तो तुम्हें अलग से केस लेना पड़ेगा. समझ में आ रहा है एवरीवन? यस सर. ये अच्छे बच्चों की मतलब माइंड में रखने की बात है, बेकार बच्चे से मतलब बताने की जरूरत भी नहीं है. आई होप यू विल डू. ये मैथ के छोटे मोटे ब्लंडर हो जाते हैं. चलो आगे बढ़ रहे हैं, फटाफट करो, दो तीन क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तभी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. सॉल्व फॉर थीटा.
यस आंसर चैट पर लिखना है जब आएगा तब से दोनों का हाँ पहले फर्स्ट का लिख वेरीफाई हो जाए तब सेकंड का लिखना फर्स्ट सही राजदीप सही सिद्धार्थ फर्स्ट में मिस्टेक करी क्या तुम्हें चेक करना पड़ेगा आगे फर्स्ट का आंसर सभी आर रॉन्ग फर्स्ट मतलब थर्ड है ना तो जो भी तुम लिख रहे हो फर्स्ट मतलब थर्ड ही नेहल रॉन्ग धार्मिक करेक्ट क्षितिज करेक्ट फर्स्ट अंशु क्या वैल्यू निकालनी है क्या यार थोड़ा सा तो होश में रहो जनरल सोल्यूशन निकालना है करेक्ट कार्तिक रॉन्ग अक्षत पांडे रॉन्ग आईना करेक्ट लक्ष्मी करेक्ट अश्विन रॉन्ग शौनक रॉन्ग ऋषभ रॉन्ग संकल्प करेक्ट ऋतिक करेक्ट राणा रॉन्ग केशव करेक्ट सौरादीप करेक्ट यशवी करेक्ट अनन्या करेक्ट अनन्या मिस्टेक है वो जस्ट स्लाइट मिस्टेक आई थिंक अनव गया पता नहीं राजदीप रॉन्ग मिहिर करेक्ट चलो पहले का तो आ जाना चाहिए कैन आई डू एवरीवन पहला वाला यस यस सर बहुत इजी है यार ये तो गलती नहीं होनी चाहिए थी कि साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन लूंगा करेक्ट एवरीवन Yes, sir. दो टूल तक पहचान जाओगे कि सब कुछ अब मैं किस में कन्वर्ट करूंगा टू थीटा में साइन थीटा कॉस थीटा को क्या लिखते हैं एवरीवन हाफ ऑफ साइन टू थीटा साइन टू थीटा बाय थीटा बाय टू साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर को क्या लिखते हैं एवरीवन माइनस कॉस टू थीटा सो एक टू और मल्टीप्लाई कर देते हैं ये टू टू से फोर चला गया ये कितना हो गया एवरीवन हाफ माइनस साइन फोर थीटा साइन फोर थीटा इक्वल टू माइनस वन टाइम टू रिमेम्बर एक्सेप्शन आया ना हाँ सर तक सही सॉल्व किया और फिर इसका फॉर्मूला वो वाला लगा दिया माइनस वन की पावर एन वाला हाँ सर वही वाला लगा दिया सर रेज ऑफ हैंड करना मेरे ख्याल से चार पांच ने तो कराया सर चैट पे दिख रहा था रेज ऑफ हैंड करना कितने बच्चों ने माइनस वन की पावर एन का लगा दिया फिर अरे करो ना जल्दी राणा ने तो कराया मेरे को दिख रहा था हाँ सर मैंने रेज ऑफ हैंड भी किया है ना सर रेज ऑफ हैंड मेरे को क्यों नहीं दिखा आज ओह यस 13 जनों ने नालायक चलो देखो इसका क्या होता है क्या लिखते हैं इसको साइन माइनस पाई बाय टू लिखते हैं या थ्री पाई बाय टू दोनों ही लिख सकते हैं करेक्ट एवरीवन यस सर तो टू एन पाई माइनस पाई बाय टू भी कर सकते हो और कुछ बच्चों ने टू एन पाई प्लस थ्री पाई बाय टू किया वो भी सही है इज दैट क्लियर एन पाई बाय टू माइनस पाई बाय एट भी सही है या फिर तुम लिख रहे हो n पाई बाय टू प्लस थ्री पाई बाय एट दोनों ही आंसर सही है दोनों आंसर सेम है एक्चुअली ठीक है हाँ सर नीचे वाला करो जल्दी सब चलो क्षितिज करेक्ट ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर ले क्षितिज तब तक तनिष करेक्ट सिद्धार्थ करेक्ट धार्मी आंसर नहीं निकालना है जनरल सॉल्यूशन निकालना है सॉल्व फॉर एक्स का मतलब वही होता है आपसे तभिया करेक्ट सिद्धेश रॉन्ग आयना करेक्ट अनव करेक्ट
लक्ष्मी करेक्ट, तृप्ति करेक्ट, सबका सही है तो फटाफट आगे बढ़ेंगे फिर तो। सात्विक करेक्ट, अनु करेक्ट, तृप्ति करेक्ट, लक्ष्मी करेक्ट, तन्मय रॉन्ग। माइनस वन की पार एन तो इतना पसंद आ गया ना कि वही यूज करना है तन्मय। क्या बोल रहे हो तुम? वो क्वेश्चन का नीचे वाला पार्ट नहीं दिख रहा पूरा। नीचे वाला पार्ट दिखना भी नहीं, कुछ है ही नहीं। मैं अभी भी मिस्टेक है कुछ। अनवी करेक्ट, देवांशी। यार बच्चों तुम सुनते नहीं हो क्या? एवरीबॉडी देवांशी माइक ऑन कर, धार्मी माइक ऑन कर। यस सर। माइक ऑन करो दोनों। देवांशी यस सर। सॉल्व फॉर एक्स का आपसे क्या मतलब होगा, कि वैल्यू निकालनी है या जनरल सॉल्यूशन निकालना है? वैल्यू नहीं यार, सॉल्व फॉर एक्स का मतलब यही होगा कि जनरल सॉल्यूशन। ओके सॉरी। कभी भी आप वैल्यू नहीं दोगे, वैल्यू दोगे जब वो पूछेगा कि जीरो से टू पाई में क्या सॉल्यूशन है तब। ओके सर, सॉरी सर, आई गॉट कंफ्यूज्ड सर। स्टोरी अक्षत करेक्ट, निगल करेक्ट, प्रकाश रॉन्ग आई थिंक, ओजस करेक्ट, तन्मय करेक्ट, आयुष शर्मा रॉन्ग, सिद्धार्थ रॉन्ग। एक्स्ट्रा का दे रहा है क्या? और वेरी गुड, एक्स्ट्रा का सही है। सिद्धार्थ, मिहिर करेक्ट, गौरव रॉन्ग, सोनक करेक्ट, अनन्या एक्स्ट्रा का सही, नटनिया करेक्ट, धनय करेक्ट, आकाश किसका दे रहा है लिखा कर, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ किसका है वो, ऋषभ करेक्ट, मोक्ष करेक्ट, अग्रिमा करेक्ट, प्रकर्ष रॉन्ग, शर्विन अगर ये फोर्थ का है तो रॉन्ग है, एक्स्ट्रा का है तो भी रॉन्ग। सर फोर्थ का था, फोर्थ का थोड़ा सा गलती है, चेक कर चेक कर, कहीं टू एक्स के ऐसे कुछ गड़बड़ तो नहीं है देख। ओजस एक्स्ट्रा का सही, ओके कैन आई डिस्कस नाउ एवरीवन? यस सर, यस सर। जिन बच्चों का हो गया है वो और कुछ करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। हाँ, बाकी सब बच्चे मेरे साथ ध्यान देंगे पूरा स्क्रीन पे एवरीवन। एक्स्ट्रा तो तुम्हें पता है, प्लीज डोंट गेट डिस्टर्ब बाय इट, देयर आर अनलिमिटेड क्वेश्चन। ये बच्चों का टाइम वेस्ट क्यों, इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा दूंगा, बट तुम्हारा फोकस यहाँ पे रहना चाहिए। इज दैट क्लियर? यस सर, यस सर। तो साइन 4x प्लस कॉस 4x क्या होता है बच्चों? 1 माइनस 2 साइन x cos x में क्वाड्रेटिक दिख रही है मुझे तो। भाई साइन 2x में अभी कन्वर्ट कर सकते थे बट मैंने वैसे ही छोड़ दिया है सब कुछ। राइट साइड 2t स्क्वायर प्लस t माइनस 1 इक्वल टू 0, 2t प्लस 1 इनटू t माइनस 1 फैक्टर्स आ जाएंगे। सही है एवरीवन? यस सर, यस सर, यस सर। चलो 2t नहीं, मैंने गलती करी है, माइनस और ये प्लस आएगा। देखो अब सही है? यस सर। सो आइदर t इज इक्वल टू हाफ और t इज इक्वल टू माइनस 1। t कौन है? साइन x cos x, साइन x cos x। तो अगर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूं तो ये बोल रहा है कि साइन 2x या तो 1 होना चाहिए, और 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूं तो साइन 2x माइनस 2 होना चाहिए। क्या साइन 2x माइनस 2 कभी होता है क्या? नहीं सर, नॉट पॉसिबल। साइन 2x इक्वल्स टू 1 एन एक्सेप्शन ना एवरीवन? यस सर, यस सर। 1 माइनस 1 को देखा करो, चमक जाया करो। सो 2x इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस पाई बाय 2, x इक्वल्स टू n पाई प्लस पाई बाय 4, पाई बाय 4। सिंपल एज दैट। Yes. 2x आएगा, बस ध्यान रखो। हाँ सर। कॉपी फास्ट। सर सर आई डिडंट अंडरस्टैंड सर, रोमेर हियर, आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाई साइन 2x इज इक्वल टू माइनस 2 नॉट रॉन्ग हियर। वेरी
कोई बात नहीं, ऐसे पूछ लिया अगर कभी डाउट आए तो। एनीबॉडी एल्स? सर राणा हियर, सेम डाउट सर। वो माइनस टू तो मैं समझ गया कि मतलब डोमेन अगर उसको डिवाइड कर देंगे तो साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस वन मिलेगा ना, तो वो तो चलेगा ना। क्या बोलता है, क्या बोल रहा है तू? कुछ भी बोल रहा है, क्या कर रहा है? पूरा हाई है। क्या करना है सर? मैं ये बोल रहा हूँ कि सर जैसे हम लोग का साइन टू एक्स इज इक्वल टू वन था, तो मतलब एक्स की रेंज तो हम लोग हाफ करके निकालते थे ना, मतलब अगर वन उसका वन के लिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालते थे। मैं रुक जा, साइन एक्स की रेंज अगर माइनस वन से वन होती है तो साइन टू एक्स है तो टू से मल्टीप्लाई करेंगे, उसकी रेंज माइनस टू से टू, ऐसा? नहीं नहीं सर। अच्छा सर उसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन डिवाइड करना। ओके सर। मैं ये पूछ रहा हूँ इसका आंसर क्या है साइन टू एक्स की रेंज का। साइन टू एक्स की रेंज में माइनस वन से वन ही है, उसका ग्राफ श्रिंक हो जाता है ना। अब बता क्या तेरे को, यही पे डिवाइड कर रहा था उसका प्रिंसिपल। क्या डिवाइड करना है यार, आराम से बोल क्या डिवाइड करना सर। जैसे अभी 2x = 2n pi 2 है ना, उसका डिवाइड करके आपने मतलब 2x का वो है तो x का उसने उसका डिवाइड करके आपने निकाला ना, मैंने गलती से पहले डिवाइड कर दिया। अरे यहां तो ना कुछ डिवाइड करेंगे, यहां क्या डिवाइड? हां वही गलती से मैंने कर दिया था सर। क्या मतलब ऐसा 2 ये कैंसिल हो गया ऐसा? हां सर ये कर दिया था, कर दिया था भाई, यही करा ना। हां सर यही किया, यही किया। ये उसी का मैंने बोला था, ये मिस्टेक। हां उसी कैटेगरी में आ गया है ना। हां सर, हां सर उसी का तो बोला था। हां सर स्टोरी सुनाएगा। हां सर आज स्टोरी। ओके चलो स्टोरी सुनाते हैं। टाइप 3 और टाइप 4 साथ में करने वाले हैं वैसे। ओके बीटीपी प्रोजेक्ट की मैंने कभी स्टोरी सुनाई? फोर्थ ईयर में फाइनली मतलब कोर्सेस तो कम होते हैं, ये सब प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट ही वर्क होता है। लास्ट ईयर में एक दो कोर्स होते हैं, बाकी टाइम पास होता है। उस समय तो नेटफ्लिक्स अमेजोन प्राइम और ये सब होते नहीं थे, तो हमारा तो लाइन पेपर्स पढ़ाए रहते थे हम, कंप्यूटर गेम्स और ये सब। बीटेक प्रोजेक्ट पूरा एक साल या डेढ़ साल चलता है, आई डोंट नो, याद नहीं है। मतलब कम से कम दो सेमेस्टर मिनिमम या तीन सेमेस्टर चलता है कि प्रोजेक्ट बनाते रहो, रिसर्च करते रहो, एक्सपेरिमेंट्स करो, लैब में जाके कुछ रिजल्ट पब्लिश करो ताकि प्रोफेसर अपना नाम छाप सके रिपोर्ट में। समझ गए? पार्ट ऑफ द करिकुलम होता है, करना पड़ता है, और उसकी सड़ी हुई शक्ल हमेशा देखनी पड़ती है। क्योंकि जब भी अपन कुछ जैसे जाएंगे ना, ऑब्वियसली हम भी लेजी होते हैं, वो हम भी कम नहीं है, बट जाते थे जैसे जो 10 दिन बाद उसको थोड़ा सा रिजल्ट दिखाने, प्रोग्रेस दिखाने, तो ऐसे सड़ हुए शक्ल बनाते थे जैसे किडनी मांग ली उनकी ना, मतलब यूं साइन कराना पड़ता था कि टाइमली कि हाँ कुछ वर्क कर रहे हैं, तो ऐसे शक्ल, ऐसे सड़ी हुई शक्ल दिखाएंगे किडनी मांग ली, और ज्यादा मतलब यूं एज इन शो करने के लिए कितनी लेट आए हो, और जल्दी आ गए तो कि कुछ काम नहीं है, बस हमारी हेल्प चाहिए, खुद कुछ करते नहीं हूँ, तो दोनों तरफ से साइको ही रहते थे। फिर जैसे तैसे बीटेक मतलब, लेकिन ये भी होता था हमारे ईयर में, मतलब हमारे ईयर के कॉलेज में हमेशा कि जितना प्रोफेसर सड़ा हुआ लोगे, जो तुम्हारे साथ सड़ा हुआ रहेगा वो आपको फाइनल प्रेजेंटेशन में बचाएगा, अदरवाइज दूसरे प्रोफेसर आपस की लड़ाई में रगड़ लेते हैं बच्चों को, समझ रहे हो? लड़ाई के चक्कर में इसके बच्चे को तो मैं खींचूंगा, ऐसे क्वेश्चन पूछूंगा। बीच में तो एक बच्चे ने ऐसे क्वेश्चन पूछने लग गया, सर मुझे पता नहीं, मैं गूगल से डेटा लेके आया हूँ, बोल भी दिया। उस समय तमाशा मस्त होता है, जिस प्रोफेसर का फिर वर्चस्व, जिस प्रोफेसर का इम्पोर्टेंस हाई होती है, उसके प्रोफेसर के बच्चों को कोई खींचता नहीं है, तो हम हमेशा ऐसे प्रोफेसर को पकड़ने की कोशिश करते थे। बट फिर पूरे डेढ़ साल वो सड़ा के रखता था चेहरा, साइन करने के लिए पीछे भागना पड़ता था। बट जैसे ही फाइनल ईयर कंप्लीट हो जाता है, ये बीटेक प्रोजेक्ट सबमिट हो जाता है, फिर सब प्रोफेसर, फिर आप जाओ ना तो स्माइल देके बात करते हैं, अरे आ गए तुम। मतलब यही एक किस्सा याद आया था कि पार्ट, मतलब मेरे को याद है मेरा प्रोफेसर पूरे टाइम सड़ा हुआ रहता था, मैं भी कम नहीं था, जाता ही कम था, बट ठीक है वो सड़ा हुआ ज्यादा रहता था। सर नाम क्या था उसका, उनका? नहीं तुम भी आईटी दिल्ली पहुंच जाओगे फिर शायद से उन्हीं को बोल दोगे तो अच्छा नहीं रहेगा। वो भी है। तो
पूरे टाइम सड़ में रहते थे, बट जैसे ही हमारा कंप्लीट हुआ तो फोन करके पार्टी के लिए बोला था चलो एक ट्रीट लेते हैं, उसमें तो सो सरप्राइज्ड, बस इतना ही है बच्चा, कुछ नहीं। अरे क्या सर पता भी नहीं चला कब खत्म हो गई क्या स्टोरी में, कहानी पर में काम सुनाएंगे बच्चे, लाइफ में ऐसी होती रियल लाइफ स्टोरी, हर चीज ये था ना होता कि मैजिक होगा कुछ चमत्कार, पर मजा है लेकिन। और एक और सुनाने की इच्छा हो रही है, और कुछ याद तो नहीं आ रहा, लेकिन पोकर वोकर की सुनाई थी, गोवा गया था तो मैं। हाँ सर वो सुनाई है, पोकर स्टोरी नहीं सुनाई, आप गए थे नहीं बताया, करते थे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुई तीसरे साल में, आप ऑर्गेनाइज करते। हाँ सर वो सुनाई थी मैंने, वर्ल्ड कप क्रिकेट वर्ल्ड कप में इंडिया ऑस्ट्रेलिया, नहीं सर नहीं सर बोला नहीं सुना, आपको भी बोलनी पड़ेगी क्या, नहीं बताया सर, नहीं पता सर इंडिया ऑस्ट्रेलिया वाला, मतलब एक्चुअली 2000 कौन सा हुआ था यार, क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था 2015 में हुआ था ना ऑस्ट्रेलिया में, आई थिंक यार सर ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था 15 में हुआ, 2015 में हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, तब मेरे एक फ्रेंड थे पेस में ही, तब उन्होंने कुछ यूं कहीं पैकेज वैकेज ढूंढ के दो दिन पहले ही बस पैकेज ढूंढ के हम फटाफट चले गए थे वहाँ, इंडिया पाकिस्तान का मैच था एक्चुअली, तो बहुत अच्छा था, बट पैकेज लेके गए थे कुछ 5 दिन का, तो मैच वैच तो देख लिया, मजे आ गए वो तो ठीक है, बट फिर हमने स्टे एक्सटेंड कर लिया, रिटर्न फ्लाइट बस गए नहीं कि थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया आए तो थोड़ा घूमते हैं, तो रोड ट्रिप करते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया का क्या यार यूं मैप तो बहुत छोटा लगता है बट है इट्स वेरी वास्ट है ना, साउथ ऑस्ट्रेलिया इज वेरी वेरी ह्यूज, मतलब और जब इतना रियलाइज नहीं कर रहे थे सब कुछ, हमने तो इम्प्रॉम्प्टू कर रहे थे, तो रोड ट्रिप ली एडिलेड से और जाना था गोल्ड कोस्ट, ऑलमोस्ट लाइक 2000 माइल्स हुआ, 2000 किलोमीटर आई डोंट रिमेंबर, तो एडिलेड से पहले मेलबर्न और फिर मेलबर्न से सोचा था सिडनी और फिर सिडनी से सोचा था गोल्ड कोस्ट तक रोड ट्रिप करेंगे, ठीक है, एडिलेड से मेलबर्न वो आती है गोल्डन गोल्ड कोस्ट रोड, क्या नाम है, हाँ याद है कुछ, गोल्डन कोस्ट रोड क्या बोलते हैं उसको, ओशन ग्रेट ओशन रोड ऐसे कुछ, ओशन रोड कुछ आती है, बहुत ही एपिक होती है वो, तो वहां पे काफी वो एपोस्टल्स भी होते हैं और वो सब, तो उस कारण से तो मजा आया, बट उसमें लग गए 8-10 घंटे, तो एडिलेड से जब मेलबर्न पहुंच गए तब पूरा जोश ठंडा हो गया, और उसके बाद 1600 किलोमीटर लगभग और बाकी थे भाई साहब, थोड़ी सी और हिम्मत करके चल पड़े, और अपने इंडिया की पहले की आदत होती थी ना कि पहले की मुंह उठा के चल पड़े, जहाँ रुकेंगे वहां स्टे कर लेंगे, कल्चर के बारे में अवेयर ही नहीं था इंडिया में, आजकल अपने क्या रात को 10 बजे बात तो हुई हूँ, ऐसा लगता है कि हाँ चलो अब मजे की आवर्स चालू हुए हैं ना मुंबई में, और वहां पे होते 5 बजे तो मॉल बंद हो जाते हैं, 7-8 बजे तो सब सोने चले जाते हैं, तो इतना पता ही नहीं था हमें, हम तो चल पड़े फिर कहीं किसी टाउन में जाके थक गए थे जब रुके कि चलो अब होटल ढूंढते हैं, तो ऑनलाइन तो उस समय कम होटल होते थे, फिजिकली भी कहीं भी गए तो इट्स लाइक कि हम बैल बजाते थे और वो चिल्लाते थे, दे वर थिंकिंग कि कोई थीफ आया इतनी रात को, मतलब इट्स लाइक दैट, तो पूरे 1-1.5 घंटे तक ढूंढते रहे, ऑनलाइन बुक कराया तो फिर बुकिंग के बाद फोन कर रहे हैं तो कोई उठा ही नहीं रहा, मतलब ऑस्ट्रेलिया में ऐसे छोटे टाउन तो इट्स लाइक अ गोस्ट टाउन, और फटने लगे वहां पे पॉपुलेशन बहुत कम है सर, इसीलिए पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है, पॉपुलेशन डेंसिटी भी कम है, हाँ ग्रेट ओशन रोड बोलते हैं यार, तो फिर रात को तो ऐसा थोड़ा डर लगने लग गया था इतना, मतलब बिल्कुल यार लोनली कंट्री और उसमें भी छोटे टाउन में ऐसे जगह जा रहे हैं, और लोगों ने पहले ही डरा दिया था कि रात को कैंगरूज बहुत घूमते रहते हैं रोड्स पे, तो फिर आगे बढ़ने का तो मूड ही नहीं था, और कोई रोक और कोई गेट खोलने के लिए तैयार नहीं, पूरी टाउन में बस घूम रहे हम तो कार में 2 जने, तो पता नहीं मेरे पास वाले के जो दोस्त था उसको क्या सुध चढ़ी, बोल रहा है सर पुलिस स्टेशन के सामने गाड़ी लगा के वहां सो जाते हैं, नींद नहीं उठती है, उसका हाथ में कुछ लाल था मेरे पास वाले का, गेस कर रहे हो क्या हुआ था, रात मारपीट हुई थी, मारपीट
रात को पुलिस वाले ने उठा के उसको डंडे भी मार दिए, मेरे को पता भी नहीं चला। अरे क्यों सर, क्यों लेजेंड पर क्यों मारा भाई, क्यों मारा था सर? यहाँ पे पड़े मैं कहीं हूँ, ऐसे उनको ऐसा लगा होगा कुछ सर। तो सर आपको नहीं मारा उन्होंने? नहीं फिर मतलब नॉक नॉक किया होगा, मैंने नींद उड़ी नहीं, उसकी उड़ी, वो उसने बात की तब तक वो बाहर गया, पिट के आ गया, मजा आया, मौज कर दी। सब बताए होंगे तब तक तो डंडे पड़ चुके थे। सर आप भी नींद में खा गए होंगे दो तीन, आपको नहीं पता चला। चलो सर मजा आ गया। सो टाइप थ्री trig equation, type 3 and type 4 are काफी lame because this is based on defactorization formulas. Guess kar lo ye based hoga kis pe? Factorization formula. Dono ka ek ek example mere sath hi dekh lo. Kyunki isme kuch sikhana bhi hai. Sin 5x into cos 3x equals to sin 6x into cos 2x. Let's say yahan ka bhi question acha koi lete hain. cos 3x plus sin 2x minus sin 4x equal to 0. तो दोनों क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सीखोगे, ध्यान से देखो इधर। फर्स्ट लेफ्ट वाला ही करते हैं नेक्स्ट सीख। तो यहाँ पे आप ऑब्वियसली सबसे पहले डिफैक्टराइजेशन फॉर्मूला तो दिख ही रहा होगा सबको, एवरीवन। हाँ हाँ यस सर, 2 sin a cos b फॉर्मूला, 2 sin a cos b करेक्ट ना एवरीवन? यस सर, यस सर। आई होप भूल नहीं गए हो, भूल रहे हो तो याद, sin a plus b plus, एक मिनट, बोल रहे हो तो वो याद करो कि साइन ए कॉस बी मतलब फर्स्ट टर्म मतलब बीच में प्लस आएगा, हाँ प्लस आएगा सर, yes, सर याद। तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस ए माइनस बी प्लस, तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी करेक्ट एवरीवन? यस सर। अच्छा मैंने एडवाइस की कि वेरिएबल्स को काटना नहीं चाहिए, बट साइन ए टेक्स को काट सकता हूँ क्या? हाँ सर काट सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं होती, तो ऑफ कोर्स यू कैन रिमूव दैट। अब पता है कि different students will opt for different methods of solving this and they will get different general solution but both will be correct. समझ में आ रहा है जो हमने last class में बात कर रहे थे? सर आपने बताया था। Depending upon your approach to solve this, you will get at all different general solution. बिल्कुल different दिखेगा। But obviously उनसे जो values आएगी वो same ही होगी। Is that clear? Yes. तो एक बार दिखाना जरूर बनता है, इसलिए करते हैं। तो बताओ दो methods क्या होंगे? Come on. एक बोला तुमने साइन 4x को साइन 2x में लिखो, करेक्ट ना? यस सर, बिल्कुल सही बोला। और एक और बताओ सर, एक साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 2x इज इक्वल टू जनरल फार्मूला डाल दो, करेक्ट? नहीं जनरल नहीं, साइन साइन सी माइनस साइन डी, कम ऑन। यस सर, फैक्टराइजेशन वाला। हां सो यहां पे तो मैं साइन 2x कॉमन ले लूंगा, मुझे देखेगा 1 माइनस 2 कॉस 2x, सही है बच्चों? यस सर। साइन 2x इक्वल टू 0 और कॉस 2x इक्वल टू हाफ, पूरा कंप्लीट करते हैं। 2x इक्वल टू n पाई, x इक्वल टू n पाई बाय 2 का यूनियन किसके साथ? 2x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3, करेक्ट ना? यस सर। दैट इज x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाय 6। तो पहली बात तो ये एक बार हमने सॉल्व कर लिया, ये आंसर है, चेक कर लेते कहीं रिपीटेशन तो नहीं है, करेक्ट एवरीवन? खत्म बात यहाँ तक एवरीवन? यस सर। और अगर मेथड 2 से सॉल्व करूँ तो देखो क्या दिखेगा, साइन सी माइनस साइन डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 माइनस एक्स, एक्स लिख रहा हूँ चलेगा ना? लिख देते हैं, पता नहीं पागलों की तरह फिर कंफ्यूज होते हैं। सो आइदर cos 3x equals to 0 और sin x equals to 0, sin x equals to 0 मतलब n pi, cos 3x equals to 0 मतलब 2n plus 1 pi by 2, correct everyone? Yes sir. Yes, sir. हाँ सो क्या सबको दिख रहा है कि ये दोनों कितने डिफरेंट आंसर है, दिख रहा है? देखो एक n pi by 2 और इस टाइप का, और ये अलग टाइप का है या नहीं है? Yes sir. Yes sir.
अब देखो वैल्यूज देखते हैं, दोनों जगह से सेम सही वैल्यूज आ रही है. एन को जीरो रखा, पाई बाय सिक्स कवर्ड है ना. एन को यहाँ पे जीरो रखा, जीरो कवर्ड है ना, जीरो रखा तो कितना आया, थ्री पाई बाय सिक्स दैट इज पाई बाय टू कवर्ड है ना, पाई बाय टू. एन को वन रखा तो पाई, पाई भी कवर्ड है, एग्री करो. एन को टू रखा तो फाइव पाई बाय सिक्स देखो वो भी कवर्ड है. Yes. अब तो फील आ गई होगी, सारी वैल्यूज आ रही है, करेक्ट आ रही है, कोई भी मिस नहीं हो रही है, कोई रिपीटेशन नहीं है, कमॉन. यस सर. तो क्या लर्न किया कि डिफरेंट मेथड्स कैन गिव यू जनरल सॉल्यूशन व्हिच मे लुक डिफरेंट बट बोथ मे बी करेक्ट. क्लियर? यस सर. यस सर. तो ये फंडे की तरह लिख देना है, क्या फंडा नंबर 6 लिख देना अपने वर्ड्स में. चलो दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आ जाओ इसमें भी कुछ लर्न करोगे. हाँ क्या यूज करो, cos sin c minus sin d ना एवरीवन. हां सर. यस सर. 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2 equal to 0 cos 3x common. यस. 1 minus क्या 2 sin x. 2 sin x. यस सर. सो आइदर cos 3x equal to 0 और sin x equals to half, करेक्ट बच्चों? यस सर. यस सर. पाई बाय सिक्स और यहाँ से एन पाई प्लस माइनस वन रेज टू पावर एन इनटू पाई बाय सिक्स. दिस यूनियन दिस इज सपोज टू बी द आंसर, करेक्ट नो ना? यस सर. यस सर. क्या देखने से बहुत बड़ी फील आ रही है कि रिपीटेशन का ह्यूज बिल्कुल चेक करना है. अब जो तुम्हें भी थोड़ा एक्सपीरियंस हो रहा है ना बच्चों, तो चेक कैसे करते हैं, यहाँ पे थोड़ी वैल्यूज लिखते जाओ. जीरो रखा तो पाई बाय सिक्स, फिर वन रखा तो थ्री पाई बाय सिक्स दैट इज पाई बाय टू. नेक्स्ट इज कितना, टू रखा तो फाइव पाई बाय सिक्स, थ्री रखा तो सेवन पाई बाय सिक्स, बस काफी है. यहाँ पे जीरो रखा तो पाई बाय सिक्स, रिपीटेशन गलत हुई हो गई है, करेक्ट ना? क्या होगा, जो सारे सॉल्यूशन कवर भी करे विद नो रिपीटेशन, करेक्ट ना? अभी थोड़ी इसकी वैल्यू जज करो ताकि तुम्हें पता लगे कि कौन सा फाइनल आंसर है. तो और लिखते हैं, n को 1 रखा तो 5 पाई बाय 6, n को 2 रखा तो 7 पाई बाय 6, करेक्ट एवरीवन? हां सर, ये एक आ गया वैल्यू. रिपीटेशन वाली वैल्यूज को सर्कल कर लिया करो. अब तुम बताओ कि इस क्वेश्चन में फाइनल आंसर में ये वाली सारी वैल्यूज आनी चाहिए, ये वाली सारी वैल्यूज आनी चाहिए, कौन सी, ऊपर वाली नीचे वाली? नीचे वाली. नीचे वाली. तो भी आंसर में आना चाहिए ना बच्चों, वो भी है ना पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन. यस सर. फॉर फाइनल आंसर कौन सा होगा, ये n पाई वाला या ये 2n plus 1 वाला? 2n plus 1 plus 1 pi by 6. फाइनल आंसर, क्योंकि वो सारी वैल्यूज को कवर कर रहा है इसलिए ये आंसर है. समझ में आया एवरीवन? यस सर. कॉपी कर लो. ये एक्स्ट्रा का दिन से देने से अच्छा पहले कॉपी करना चाहिए, उसके बाद मेरे को लिखना.
So, so Rishabh here, can you scroll up to the question of type 4? Thank you, sir. Correct, Kshitij. Correct, Rana. Correct, Tanish. Jaldi copy kariye, everyone. Yes, किसी को doubt अब? Anybody? So, Manav. Sorry, name बोल वापस. So, Manav here. हाँ, Manav. So, in the defactorization method... Age बोल, बहुत धीरे है तेरी voice. Sorry, sir. So, in the defactorization method, why can we cancel sin 8x but not sin 2x? अच्छे, sin 8x plus में है. A plus B अगर A plus C हुआ, तो अगर लेफ्ट साइड में लाएगा तो ए और ए तो जीरो ही होगा ना बच्चे. यस सर. तो कैंसिल का आई होप लॉजिक समझ में आया कि वो तो एडिशन है, वो तो जीरो ही होना ही है. हाँ सर. ए बी इक्वल टू ए सी में ए को कैंसिल होना जरूरी नहीं है, वो तो ए कॉमन लेते हैं हम. आया ना? हाँ सर. हाँ ठीक है, समझा सर. थैंक यू सर. एनीबॉडी एल्स? पंडा सिक्स लिख लिया एवरीवन अपने वर्ड्स में. Yes, different methods can give you general solution which look very different, but if you check the values, both may be correct. लिख लिया ऐसा? हाँ सर. अपने words पर लिख लेना. Yes, can I give you next question? Everyone done? One second. Yes, sir. Sir, one second, sir. फंडा लिख रहे हैं. Can you wait? सर फंडा सिक्स में क्या लिखना है? ओके आई थिंक इनफ टाइम, अब तक हो जाना चाहिए था. बाय द वे कुछ छूट जाता है तो जगह छोड़. चलो स्टार्ट दिस क्वेश्चन. सर फंडा सिक्स में क्या लिखना था? फंडा सिक्स में डॉट 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 लिखना. सच्ची में जूता खाएगा आकाश. हर चीज में बस लॉलीपॉप की तरह सर हमें टेस्ट कराओ ना. जगह छोड़ और अभी क्वेश्चन कर. करेक्ट राणा, करेक्ट अक्षत. ये क्वेश्चन करो अभी. आयति रॉन्ग, मिहिर रॉन्ग, विनायक रॉन्ग, अनन्या रॉन्ग. बहुत बच्चे गलती करेंगे. फोकस. तुम्हें शुरुआत से पढ़ा रहा हूं तो पता लग गया कि कहां टाइप की नालायक पंक्ति करते हो. राणा करेक्ट, विनायक करेक्ट, बट विनायक ने पता नहीं तुक्का क्या करा है, मेरे को समझना है अभी ना. तूने पूरा सोचा है नालायक? हाँ सर. देखते हैं अभी. सर इसमें साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लग जाएगा. हाँ. धार्मी रॉन्ग, आयुष शर्मा रॉन्ग, मीत करेक्ट,
मोहम्मद रॉन्ग, दार्मी आप करेक्ट, राजदीप रॉन्ग, अनन्या रॉन्ग, तनिष रॉन्ग, आयुष रॉन्ग, दिया रॉन्ग। पता है आधे बच्चे तो इसलिए गलती कर रहे हैं क्योंकि मैंने मल्टीपल लिखा है, समझ रहे हो सर? मैंने बिना पढ़े आंसर कर दिया उसको, हाँ इसलिए बच गया तू। हाँ सर। सर मैं भी सर सेम सर। वो तो है ही है, हम तो एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। मल्टीपल देखते ही आधे बच्चे तो एक ऑप्शन तो और छक्काना है। किसको मिल गया सर? सर थैंक्स फॉर गिविंग। वही मैं वही सोच रहा था कि इन तीनों में से कुछ होगा या नहीं। सिद्धेश करेक्ट, राजदीप करेक्ट, दिया स्टिल रॉन्ग, अनवी रॉन्ग, सात्विक करेक्ट, अर्श रॉन्ग, देवांशी करेक्ट, तनिष करेक्ट, कृष करेक्ट, तन्मय रॉन्ग, ओजस करेक्ट, सिद्धेश करेक्ट, आयुष शर्मा रॉन्ग, तन्मय रॉन्ग, केशव करेक्ट, विभूषिता करेक्ट, अनुश्री रॉन्ग, ओजस करेक्ट, क्रिश करेक्ट। बस थक गया मैं। सर सर दो मिनट प्लीज सर, थोड़ा सा टाइम। इनफ टाइम, बहुत टाइम हो गया, इसमें होना चाहिए था अब तक। 30 seconds और। थैंक यू सर। करेक्ट आदर्श, निधि रॉन्ग, अलका रॉन्ग, अक्षत करेक्ट, ध्रुव मालपानी रॉन्ग, प्रकाश रॉन्ग, अगमजीत रॉन्ग, संकल्प रॉन्ग, रीसा रॉन्ग, कामत करेक्ट, एडविन करेक्ट, शमक रॉन्ग, चल प्लीज सी ऑन द स्क्रीन, साइन सी प्लस साइन डी, टू साइन सी प्लस डी बाय टू, cos c minus d by 2, minus आएगा but cos तो खा जाता है, correct ना? हाँ सर। yes sir। sin c plus sin d, 2 sin c plus d by 2, cos c minus d by 2, sin 3x छोड़ा दूं क्या? नहीं सर। नहीं सर। common लो। common ले ओ। sin 3x common, मतलब वैसे तो ये भी अब थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं इस लाइन में भी, मतलब चलो। so either sin 3x equal to 0 और cos 2x minus cos x equal to 0, correct बच्चों? Yes sir। तो अब इसके बाद भी पता है क्या, दो methods हो गए हैं, दोनों बच्चे अलग अलग करेंगे methods से तो अलग अलग answer आएगा। एक क्या? Yes sir। cos 2x को 2 cos square x minus 1 बना के quadratic बना दूं, आया ना? Yes sir। और एक दूसरा cos c minus cos d लगा दूं। Yes, clear everyone? हाँ sir। तो दोनों से अलग अलग answer आएगा, but final answer, final union win लेने के बाद वो सबका same आएगा, but जो पार्शियल आंसर आएगा वो अलग अलग आएगा। बताओ क्या करूं, एक ही करूंगा तो क्वाड्रेटिक बना दो, cos c minus cos d करो, cos c बना दो क्वाड्रेटिक। आवाज मुझे cos c minus cos d की आई, 2 cos 2 sin c plus d by 2 sin d minus c by 2 equal to 0, तो either sin 3x by 2 equal to 0 और sin x by 2 equal to 0, so 3x by 2 equal to n pi, that is x equals to 2n pi by 3. I hope तुम्हें समझ में आ रहा है, मैंने ऑप्शन उसी हिसाब से दिए थे। Yes, हाँ सर। x by 2 is n pi, so x is 2n pi. Union answer है, multiple दे रखा है, इसलिए ABC होना चाहिए ना? बताऊँ? No sir, ANC. इस टाइप की गधा thinking नहीं करोगे, is that clear? हाँ सर। मैंने क्या बताया, trigo equation में कभी भी final answer में कूदो मत, कि दो चीजें check कर लो, general repetition और not defined, clear? Yes, sir. So values थोड़ी देख लो, 0, pi by 3, 2 pi by 3, pi, 4 pi by 3 and so on, and 2 pi and so on. यहाँ पे 0, 2 pi by 3 repetition आ ही चुका है, 0, 2 pi by 3 के बाद क्या आएगा, 4 pi by 3, वो भी यहाँ पे present है, फिर यहाँ पे 0, 2 pi, 0 repetition, 2 pi repetition. So what is the solution which is covering all of them? N pi by 3. N pi by 3. So this is the final answer only, correct everyone? Yes sir. Yes, sir. So option A is the answer only.
यस किसी को डाउट सर तनिष यार हम्म सर एग्जाम ऐसे मल्टीपल करेक्ट में से सिंगल करेक्ट हो सकता है क्या अच्छे यार मल्टीपल करेक्ट में क्या लिखा होता है मोर देन वन करेक्ट या वन और मोर देन वन करेक्ट अच्छा हां बराबर सर सर वो माइंडसेट ऐसा हो जाता है तो ऑब्वियसली वन भी हो सकता है क्यों नहीं हो सकता ओके सर अब एक बच्चा चैट पे लिख रहा है सर आई थॉट वी हैव टू मार्क ऑल पॉसिबल आंसर्स इसका क्या मतलब है गलत आंसर में मार्क कर देगा क्या राजदीप आई थॉट वी हैव टू मार्क ऑल पॉसिबल आंसर तो ऑल पॉसिबल का मतलब क्या है पॉसिबल ना जो गलत है वो तो ना मार्क करेगा ये गलत आंसर है तो उस सेंस में फाइनल आंसर इसका क्या है सिर्फ ये है तो यही मार्क करो उसने ये नहीं बोला है कि उसने क्या पूछा है सॉल्व फॉर एक्स एक्स क्या क्या है मतलब कंप्लीट आंसर चाहिए याद करो उसने ये नहीं बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेटिस्फाई दिस इक्वेशन फिर एबीसी होता बच्चों एग्री कर रहे हो यस सर ओके फिर यूनियन हाँ तो देख तू ना खुद ने वही बोल दिया राजदीप तो सही आंसर बोला था चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें थोड़ा अलग कर रहा हूं मैं फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन इन जीरो से पाई करो जल्दी करो यार कौन सा एक्स्ट्रा मेरे को याद भी नहीं आ रहा गौरव अभी ये क्वेश्चन करो चलो जल्दी नहीं उसका सही नहीं है अनन्या करेक्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चन सर अनव रॉन्ग ओजस रॉन्ग राजदीप रॉन्ग डोंट बी इन अ हरी Arnal wrong, Manav wrong.
अरे थोड़ा आराम से करो, डोंट बी ना हरी, बोल रहा हूँ। एक बच्चे का सही है आउट ऑफ दस अभी तक, सात्विक रॉन्ग, आदित्य रॉन्ग, सिद्धार्थ रॉन्ग, मृणाल रॉन्ग, ओजस दुबे अब करेक्ट, राजदीप रॉन्ग, अनव रॉन्ग, मैं अभी देख ही नहीं रहा, आउट ऑफ आफ्टर वन और टू मिनट्स आई विल सी। देखो इक्वेशन में भले क्वेश्चन इजी होते हैं, गलतियां बहुत होने के चांस होते हैं, तो तुमने अब तक देख लिया, इसलिए ध्यान से करा करो। अनुश्री रॉन्ग, आदर्श रॉन्ग, यशवी रॉन्ग, स्वयं रॉन्ग, धार्मी रॉन्ग, अनव रॉन्ग, निहल रॉन्ग, दिवांशी रॉन्ग, सिद्धार्थ क्वेश्चन क्या लिखा है पढ़, आदित्य रॉन्ग, प्रमर्थ रॉन्ग, बोल रहा हूँ इतना तो भी नहीं सुधरना, नहीं अंशु रॉन्ग, स्वयं रॉन्ग, एरलिन रॉन्ग, लास्ट 30 सेकेंड्स। सिद्धार्थ रॉन्ग, प्रकाश रॉन्ग, क्रिश रॉन्ग, गौरव रीड द क्वेश्चन, राणा करेक्ट, प्रयंज रॉन्ग, रामत रॉन्ग, धार्मी रॉन्ग, चल डिस्कस करेंगे। ओजस एक्स्ट्रा का सही है, गुड, आई थिंक करेक्ट इसका, सिद्धार्थ निहल, स्वयं रॉन्ग, ओके इनफ टाइम। चलो बच्चों बताओ, ऐसा तो आई होप नहीं सोच रहे थे, वो कॉस का डबल थीटा का होता है, साइन में नहीं होता है, करेक्ट ना एवरीवन? यस सर, हां सर। तो क्या लगाएंगे यहां पे, डिफैक्टराइजेशन, करेक्ट? यस सर, डिफैक्ट, यस सर। किस पे लगाएं, इस पे और इस पे लगा देते हैं? यस सर, 2 sin थीटा * 2 sin a sin b, cos cos a minus b minus cos a plus b, अब एक बार और लगा देते हैं, करेक्ट? यस सर, 2 sin a cos b, sin a plus b plus sin a minus b minus, इस पे लगा रहा हूं 2 sin a cos b, sin a plus b plus sin a minus b, सही है यहां तक? देखो गड़बड़ करा मैंने, सही। हाँ क्या क्या हुआ, साइन थ्री थीटा कैंसिल हो गया, सारे माइनस माइनस प्लस हो गए ना बच्चों, क्या कुछ गड़बड़ किया हमने? सर बराबर है, हाँ साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा माइनस साइन सेवन थीटा, और यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा, साइन फाइव थीटा इक्वल टू जीरो, तो आप कुछ नहीं किसी में, बस एक साइन सी माइनस साइन डी यहाँ पे लगा रहा हूँ, चलेगा ना? साइन सी माइनस साइन डी माइनस साइन सेवन थीटा प्लस साइन सी माइनस साइन डी, इस पे लगाऊं या थीटा और सेवन, नहीं थीटा और सेवन, सेवन थीटा और फाइव थीटा में लगाऊं, सेवन थीटा और फाइव थीटा में लगाता हूँ, सबसे बेस्ट है क्योंकि थीटा बन रहा है वहां से, हाँ सर कॉमन निकल, साइन सी माइनस साइन डी माइनस साइन थीटा प्लस साइन सी माइनस साइन डी इज टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू दैट इज माइनस थीटा, करेक्ट एवरीवन?
यस सो माइनस साइन थीटा कॉमन यहाँ पे बचेगा वन प्लस टू कॉस सिक्स थीटा इक्वल टू जीरो सो आइदर साइन थीटा इक्वल टू जीरो जो थीटा इक्वल टू एन पाई तो जीरो से पाई में दो सॉल्यूशन है करेक्ट एवरीवन जीरो एन पाई यस सर या फिर कॉस सिक्स थीटा इक्वल टू कितना माइनस हाफ यस सर करेक्ट एवरीवन यस सर हाँ सर चल सो मेरे साथ देख लो थीटा बिलोंग्स टू जीरो टू पाई है तो सिक्स थीटा बिलोंग्स टू कहाँ से खाते हो जाएगा जीरो से सिक्स पाई एवरीवन Yes, sir. तो जीरो से सिक्स पाई में कितनी बार माइनस हाफ होगा ये देखना है जीरो से टू पाई में दो बार होगा करेक्ट एवरीवन हाँ सर टू पाई से फोर पाई में दो बार और होगा करेक्ट यस सर और फोर पाई से सिक्स पाई में वापस कितनी बार होगा दो बार तो इसके कितने छह सॉल्यूशन है सॉल्यूशन मैंने पहले भी समझाया था याद आ गया एवरीवन यस सर वापस बोल रहा हूँ उसने बोला है थीटा जीरो से पाई तो हमें तो सिक्स थीटा है तो सिक्स थीटा बिलोंग्स टू क्या हो गया जीरो से सिक्स पाई तो जीरो से सिक्स पाई में कॉस कब माइनस हाफ हो रहा है यही तो सोचना है हाँ है ना यस सर तो देखो उसके छह छह और दो टोटल मिला के कितने आंसर हो गए आठ आठ कॉपी फास्ट एक क्वेश्चन और करते हैं थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टिंग के लिए हो गया सबका ये यस सर सर दो मिनट सर एक डाउट है अब तो डन एवरीवन सर यस सर एक डाउट है सर विनायक कोई बच्चा बहुत धीरे बोल रहा है विनायक ही है आई थिंक और बहुत धीरे बोल रहा है सर मैं सर विनायक सर हाँ बोल सर ये लास्ट का दो सॉल्यूशन कैसे आया सर छह सॉल्यूशन तक समझा सर फिर वो लास्ट का दो सॉल्यूशन नहीं समझा लास्ट में दो नहीं आए वो पहले आए थे लास्ट में कैसे आया नहीं सर जैसे कि छह सॉल्यूशन समझ में आ गया सर टू 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 पर सर ये टू कैसे आया ये नहीं समझा थोड़ा सा दिमाग लगाया कर फिर कभी भगवान ने दिया है यहाँ पे एन को जीरो रखेगा तो कितना आ रहा है एन को जीरो रखेंगे तो जीरो काउंट करना है नहीं करना है ओके हाँ या ना हाँ सर यस सर एन को वन रख कितना आया वन पाए सर पाए 180 काउंट करना है नहीं करना है नहीं करना है सर क्यों आज फ्राइडे है फ्राइडे को काउंट नहीं करता ऐसा नहीं अरे क्वेश्चन भगवान से विश्वास जुड़ गया क्लोज में काउंट करना है तो पाई को क्यों नहीं काउंट करेंगे अच्छा हाँ सर हाँ हाँ काउंट करना है सर एन को टू रख टू पाई हाँ नहीं सर उसे काउंट नहीं करना है क्यों सर क्योंकि जीरो से पाई तक ही लेना है तो कितने होगा ये दो तेरे को नहीं लगता है बिना कि खुद से सोचना चाहिए इतना हाँ सर टोटल मिला के 8 सॉल्यूशन हाँ सर नेक्स्ट क्वेश्चन साइन 6x डिवाइडेड बाय साइन x इज इक्वल टू 8 cos x इनटू cos 2x इनटू cos 4x फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन इन 0 से 2 पाई
आई होप एवरीवन यू एवरीवन ऑफ यू इज एबल टू थिंक ये तो बहुत फास्ट होना चाहिए हां है ना हां सर बिल्कुल सर क्योंकि 2 थीटा का कोई फंडा है हमारे पास हां है ना यस यस सर Come on, use the result. ये सबको याद होना चाहिए. अभी भी number of solution count करने में तो सच्ची में पसीने आते हैं. मेरे गधे बच्चे हैं. मतलब counting अच्छा है. PNC अभी तक चालू नहीं हुआ. रायता ही फैला देते हैं इन्होंने. जीरो से 2π बोला है. जीरो से पाई नहीं बोला है. नो रॉन्ग प्रकाश रामर्थ सही लक्ष्मी सही बाकी सबका अभी तक गलत सबका गलत है यानी कि क्षितिज मिहिर शाना सब गलत सरादी बादश आकाश लक्ष्मी बोल दिया मैंने तेरा सही है सूर्या का सही प्रणय सही रामर्थ सही बाकी सब गलत प्रकट सही अनव करेक्ट देवम करेक्ट आयुष नहीं आयुष रॉन्ग लास्ट 30 seconds वापस अनन्या क्वेश्चन क्यों नहीं पढ़ते हो जब मैं पूछता हूँ कि नंबर हो तब तो जनरल सॉल्यूशन जब मैं पूछता हूँ जनरल तो नंबर देते हो सब गलत है प्राण अलका सोनक सब गलत चलो भाई मैथमेटिकल काउंटिंग सिखाएंगे मतलब ऐसे है ना कि 1 2 3 ऐसे सिखाना पड़ेगा इनको सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन सबने सही निकाला होगा पता नहीं काउंटिंग में क्या अजीब करते हो यार sin 6x / sin x पहली बात तो अगर कोई अच्छा बच्चा है ना वो पहले स्टेप में लिख देगा ये पहले स्टेप में ही लिख दो ताकि अगली बार कोई गलती नहीं हो जाए हां है ना बच्चों यस सर वाली आइडेंटिटी लगाई तो साइन 2³ इनटू एक्स डिवाइडेड बाय 2³ साइन एक्स 8 से 8 गया क्या डिनोमिनेटर वाले वेरिएबल टर्म को काट सकते हैं क्या हां सर यस सर यस सर हां सर सो आ गया आपके पास साइन 6x इक्वल्स टू साइन 8x तब तो साइन सी माइनस साइन डी लगा दूं बच्चों हां यस सर हां सर 2 cos c + d / 2 इनटू साइन c - d / 2 इक्वल टू 0 Yes. So either cos 7x equals to 0 or sin x equals to 0. Sin x equals to 0. Not possible. Not possible. अब समझ में आ रहा है जिन्होंने 16 solution बोले थे या 17 solution बोले थे? Yes, sir. हाँ करो. Yes. ये हमेशा लिखा करो यार पहले rejected. Cos 7x equals to 0. अब इसका general solution लिखने की जरूरत है क्या बच्चों? नहीं sir. नहीं sir. अभी सिखा दिया तुम्हें कितनी बार यार?
x belongs to 0 से 2 pi है. So 7x belongs to कहां से कहां तक हो गया? 0 to 14 pi. तो मतलब मुझे एक cos theta equal to 0 का आंसर निकालना है जब theta 0 से 14 pi है. हां है ना? Yes. Yes. हां है ना? हां सर. Yes sir. और हर 2 pi में 0, हर 2 pi में कितने सॉल्यूशन होते हैं? 5 by 2, 3 pi by 2, 2 होते हैं ना? Yes sir. बताओ 14 pi तक कितने टोटल सॉल्यूशन हो जाएंगे? 14 इतना सिंपल है. बताओ बताओ मैं इतना रायता क्यों फैलाते हो? क्यों टेल मी, हां कहां गलती है? एक दो जनों का तो समझ में आ गया जिन्होंने 16 17 दिए थे, वो गधे sin x = 0 लिखना भूल गए थे. ओजस, अक्षत, मिहिर, तुम बताओ भाई क्या रायता फैलाते हो? तो मैंने एक एंड में गलती से एक्स्ट्रा वैल्यू असाइन कर दी. ओजस, अक्षत, बताओ क्या गलती करते हो? सिली मिस्टेक हो गई थी सर. क्या सिली मिस्टेक? नंबर ही गलत लिख दिए थे. सिद्धार्थ? यस सर. क्या गलती हुई? सर मैं सारे सॉल्यूशन n इक्वल टू 1 डाल डाल के निकाल रहा था, तो उसमें काउंटिंग में लास्ट क्वेश्चन में भी अपन ने ऐसा नहीं किया. मतलब वो करना तो यार, मतलब दिमाग के लिए वो चैलेंज पैदा करना है कि इतना करने की जरूरत तो ना है यार ऐसे. यस सर, यस सर, समझ गया सर मैं अभी उसको मल्टीप्लाई. यस सर. सर मैंने वो फॉर्म ही गलत लिख दिया था, cos 8x / cos 6. रीसा क्या गलती की? हां लड़की राणा महान वाला क्या गलती की? अरे सर वो मैंने क्या ना cos 7x को ना मतलब 7 देखा ही नहीं, मैं ऐसे cos x मान के उसका एक उसका दे दिया, एक इसका दे दिया, दो दे दिया होगा. अब इस टाइप की गलती नहीं करेंगे. इज दैट क्लियर एवरीवन? नहीं करेंगे. यस सर. नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए जनरल सॉल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं है. इज दैट क्लियर? यस सर. चलो आज के लिए इतना ही. टाइप 5 से कल चालू करेंगे, नेक्स्ट क्लास में चालू करेंगे. ठीक है. बाय सर. ओके सर. लेक्चर में